एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फैशन योर चेतना। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोई मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने नहीं जा रही हूँ, और ना ही मैंने मेकअप कर रखा है। मैंने इसे जस्ट अपने हेयर वॉश किए थे और अभी मैंने अपने जो है फ्रंट बैंग्स जो है वो कट किए हैं। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप घर पर कैसे अपने फ्रंट बैंग्स कट कर सकते हो अगर आपके शॉर्ट हेयर है मेरी तरह तो। सो गाइज़, बिना देरी करते हुए मेरे वीडियो के साथ भी कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैंने ये बैंग्स जो हैं वो कैसे कट कर रखे हैं, कैसे मैंने ये बैंग्स जो हैं वो कैसे कट किए हैं। और गाइज़, मुझे मेरे बैंग्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़। सो स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरे हेयर जो हैं वो वेट हैं, तो मैंने बीच में पार्टीशन कर लिया है सबसे पहले अपने हेयर का। अब मैं फ्रंट पार्टीशन कर रही हूँ अपने हेयर के, आप देख सकते हैं बैंग्स निकाल करके। इस तरीके से आपको सबसे पहले हेयर का पार्टीशन करना है। जो आपके पीछे के हेयर हैं उनको ब्लैक पिन से सिक्योर कर लेना है। जिस तरीके से मैंने लेफ्ट साइड में पार्टीशन किया है उसी तरीके से मैं राइट साइड में भी पार्टीशन कर लूँगी फ्रंट का। दोनों साइड में फ्रंट से फ्लिक्स निकाल लेने के बाद में इधर भी मैं पीछे वाले हेयर को पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। अब फ्रंट फ्लिक्स को बहुत अच्छे से कॉम करना है। जो भी मेरे एक्स्ट्रा हेयर हैं जिसमें पार्टीशन नहीं हो रहा है उनको मैं निकाल करके फ्लिक्स में ऐड कर लूँगी, जो फ्रंट फ्लिक्स मैंने निकाली है। अब इनको बहुत अच्छे तरीके से कॉम करना है। इस तरीके से कॉम कर लेना है, कोई भी एक्स्ट्रा गैप, कोई भी एक्स्ट्रा हेयर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास जो भी सीज़र हो आप वो ले सकते हैं, घर में जो भी अवेलेबल हो। तो सबसे पहले आपको मेज़रमेंट कर लेना है आप कहाँ तक कट करोगे। अभी मैंने नोज़ तक मेज़रमेंट किया है और मैंने नोज़ तक ही कट कर दिया अपने हेयर को। आपको सबसे पहले लॉन्ग लेंथ लेनी है डायरेक्टली, आपको अपने हेयर जो हैं वो शॉर्ट नहीं करने हैं। अदरवाइज़ अगर फर्स्ट टाइम में कुछ मिस्टेक हुआ तो सेकंड टाइम में करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको नोज़ से ऊपर या नीचे तक हेयर को कट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं सेकंड कट करूँगी, उसके लिए मैं अच्छे से मेज़र कर रही हूँ कि मेरे को नोज़ के ऊपर से और कितना चाहिए। मेज़रमेंट करने के बाद मैं सेकंड कट कर दूँगी, तो ऑलमोस्ट मुझे जितना हेयर का कटिंग चाहिए था बैंग्स का उतना हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मुझे थोड़ा साइड में से अपने हेयर जो हैं वो ऊपर नीचे लग रहे हैं तो मैं उनको इक्वल कर लूँगी। सबसे पहले अच्छे से कॉम करूँगी उनको, साइड में से मुझे थोड़े नीचे लग रहे हैं तो मैं उनको हल्का हल्का ट्रिम करूँगी सीज़र की हेल्प से, और बीच में जो मेरे हेयर हैं उनकी इक्वल लेंथ के बराबर इनको कर लूँगी, आप देख सकते हैं। ये काम आपको वेट हेयर में करना है, अगर आपके हल्के भी ड्राई हेयर होंगे तो वो ऊपर नीचे इक्वल कटिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको वेट हेयर में ही ये काम करना है। उसके बाद मैं अपने हेयर को थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगी और उनको कट कर लूँगी, इससे मेरे जो बैंग्स हैं उनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैंने अपनी बैंग्स की लेंथ को इक्वल कर लिया है। अब मैं इन्हें अच्छे से कॉम कर रही हूँ। कॉम कर लेने के बाद मैं फिर से सीज़र लूँगी और उनको हल्का हल्का ट्रिम करूँगी। यहाँ पे आपको बैंग्स को ट्रिम करते टाइम आपको सीज़र को जो है हॉरिजॉन्टल नहीं रख के वर्टिकल रखना है, वर्टिकली आपको कट करना है अपने बैंग्स को। ये आप ट्रिम कर रहे हो फाइनल टच देने के लिए। अब उसके बाद में मैं अपने बैंग्स को स्ट्रेट कर लूँगी, तो स्ट्रेट करने के बाद आप मेरा फाइनल लुक देख सकते हो बैंग्स का कि वो कैसे लग रहे हैं, और अपने हेयर को ओपन कर लूँगी।
आई होप गाइज आप लोगों के लिए मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहे और जिन जिन लोगों ने फ्रंट बैंक्स जो है वो घर पे कट किए हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में ये भी बताना कि मेरे बैंक्स आपको कैसे लगे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना गाइज। गाइज मुझे भी स्टार्टिंग में बैंक्स कट करते हुए बहुत डर लग रहा था, बट अगर आप स्टार्टिंग में लॉन्ग लेंथ लोगे लाइक आपके नोज़ के अबाव या बिलो लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको कैसे कट करने। अगर स्टार्टिंग में आपने शॉर्ट कट कर दिए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले आप लॉन्ग कट करो, उसके बाद में सेकंड स्टेप में उनको थोड़े शॉर्ट कर दो तो इजीली बहुत अच्छे से कट हो जाएंगे। कोई डरने वाली बात नहीं है, स्टार्टिंग में डर लगेगा तो आप थोड़ा लॉन्ग रख लो उनको, अदरवाइज कोई डरने वाली बात नहीं है। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस, बाय बाय।